बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। अदाकारी कॉमेडी का सुनहरी बाब बंद हो गया, स्टेज का रोशन सितारा गुरूब हो गया, करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला उमर शरीफ सबको उदास छोड़ गया। कॉमेडी के सुपरस्टार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। 14 साल की उम्र से स्टेज पर अदाकारी शुरू की और देखते ही देखते कॉमेडी की दुनिया के किंग बन गए। इन्होंने मिस्री अदाकार से मुतासिर होकर नाम उमर शरीफ इख्तियार किया। उमर शरीफ ने कॉमेडी का जो मुनफरिद अंदाज मुतारिफ करवाया उसमें अवामी लहजा, चोटी के अदाकारों की नकल, तंजो मजाह से भरपूर चुटकले और जुगतबाजी समेत वो सब कुछ था जिसका नज़ारा करते ही शायकीन हंसते हंसते लोटपोट होते जाते। उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अपने फ़न का मुजाहिरा किया, लेकिन इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मजाहिया स्टेज ड्रामे हैं। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही में मकबूल नहीं बल्कि हिंदुस्तान समेत जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ उनके मद्दाह मौजूद हैं। उमर शरीफ ने मेज़बानी के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को इनके मद्दाह आज भी देखते और लुत्फ उठाते हैं। उमर शरीफ की खिदमात के इवज इन्हें निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। सोशल मीडिया ने स्टेज ड्रामों की मकबूलियत तो कम की ही, लेकिन उमर शरीफ कॉमेडी का वो सूरज है जो आज भी इसी आपोताप से जगमगा रहा है। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन सुहेल अहमद कहते हैं कि उमर शरीफ बैनुल अक्वामी सतह पर जाने पहचाने फनकार थे। वो बहुत प्यारे इंसान थे, इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वाकई इस तरह का एक नुकसान है हमारे मुल्क का, हमारी सकाफत का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, हिला के रख दिया है। ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे फनकार थे उमर शरीफ साहब, जो जाने पहचाने और पसंद किए जाते, पसंद किए जाते थे, बड़े आदमी थे। मारूफ अदाकार कवि खान कहते हैं, उमर शरीफ हमें बहुत जल्दी छोड़ गए। वो एक तख्लीकी इंसान थे, जो खूबी उमर शरीफ में थी वो किसी इंसान में नहीं देखी। वो इतना अजीम आदमी था कि वो उसके चाहने वालों की तादाद को आप ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है होगी जहाँ वो चाह जाता रहा होगा, और फिर उस दुनिया में वो बहुत जल्दी चला गया। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर बहुत अफसोसनाक है। वो कॉमेडी का बाप था, उमर शरीफ जैसा दूसरा कोई अदाकार नहीं हो सकता। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। साथ कोई 40-45 साल हमारा पुराना साथ है। मेरा जो पहला थिएटर था आदमजी हॉल में, वो लिखा हुआ तो बजिया का था, बट वो जो मेरा और बैरोज का पोर्शन था वो उमर शरीफ का लिखा हुआ था, और बहुत कामयाबी मिली, अल्लाह मियां ने बहुत साथ दिया। भारत भी उमर शरीफ की कॉमेडी को सहराता है। फिल्म स्टार रेशम ने कहा, दुनिया उमर शरीफ की मद्दाह थी, हमसाया मुल्क के बड़े बड़े फनकार इनके कदमों में बैठते थे, उमर शरीफ लोगों में खैर बांटते थे, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। जी, बहुत बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और बहुत ही दर्दनाक भी, और दुख बहुत हुआ है क्योंकि मुंह बोले भाई थे, फैन तो मैं उनके बचपन से ही थी, लेकिन बहुत खुशकिस्मत थी कि उमर भाई के साथ कितनी मुलाकातें, मुझे तो ये भी नहीं पता, अनगिनत मुलाकातें, फनकारों के साथ बैठना, खाने उनके घर पे इकट्ठा होना, इतनी यादें हैं उनसे वाबस्ता कि मैं तो वो बयान ही नहीं कर सकती। अदाकारा मीरा ने उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया घूमी है, उमर शरीफ जैसे लोग बहुत कम होते हैं। उमर शरीफ दिल के बादशाह थे, इनकी सोच बड़ी थी। आप यकीन करें, मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरी तबीयत संभल नहीं रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्जों से मैं इजहार अफसोस करूं। इतनी कीमती जान इस दुनिया से चली गई और हम कुछ नहीं कर सके, इतनी तकलीफ में वो गए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ उमर शरीफ की मौत की खबर ने भारत में भी मदाहों और खैरख्वाहों को सोगवार कर दिया। भारतीय गुलकार दलेर मेहंदी ने
वीडियो पैगाम में कहा कि उमर शरीफ की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ, रहती दुनिया तक उमर शरीफ के काम को याद रखा जाएगा। उन्होंने उमर शरीफ की मगफरत के लिए दुआ भी की। आज बहुत ही दुख का दिन है कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। इंडिया के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर बोले, उमर शरीफ की मौत ने सबको दुखी कर दिया है, उमर शरीफ की कमी को पूरा नहीं कर सकते। उमर शरीफ भाई बहुत कमाल के आर्टिस्ट है, ऐसे आर्टिस्ट तो कहाँ पैदा होते हैं भाई, वो अरसों में पैदा होते हैं। उमर शरीफ इतने हाजिर जवाब थे, क्या बोलने वाले, मैं तो उनसे पूछता था कि यार ये कहाँ से आता आपको, बोले बस आमद होती है भाई, अपने को पता ही नहीं कहाँ से आ जाता है। भारत के मारूफ कॉमेडियन स्टार कपिल शर्मा की जानिब से भी कॉमेडियन किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार किया गया। कपिल शर्मा ने उमर शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा के अलविदा लेजेंड। उन्होंने उमर शरीफ की मगफरत के लिए भी दुआ की। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।